असलकम वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी दर्स इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड टूडे इज़ लेसन नंबर सेवन थोड़ा सा हम री कैप करते चलें कि जी पिछली दफ़ा हमने क्या कवर किया था इफ़ यू रिम्बर डिसजनल ऑपरेटर्स और डिसीजन के बाद हमने लूपस का आगाज़ किया था और लूप में पहला स्ट्रक्चर जो है वो वाइल्ड लूप का था तो हमने वाइल्ड लूप के बारे में बात की हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात की और फिर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की आज हम लूप्स को लेके ज़रा सा आगे चलेंगे और नई लूप के स्ट्रक्चर्स उनके बारे में बात करेंगे देखिए हमारे पास वाइल लूप जब डिस्कस कर रहे थे हमने ये बात कही थी कि कम से कम एक दफ़ा जो है वो वाइल लूप ऑपरेट करती है कि नहीं करती एंड द आंसर वाज नो वाइल लूप जो है वो ज़ीरो और मोर टाइम्स उसकी बॉडी की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सीक्यूट करती हैं वाइज ज़ीरो अगर वाइल्ड लूप की कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए सो so, आपको याद होगा इसका सिंटेक्स कि हम कहते थे वाइल्ड कंडीशन और उसके बाद हम उसकी कोई बॉडी में जो स्टेटमेंट्स थी उनकी बात करते थे तो अगर पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वाइल्ड लूप की जो बॉडी की स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सीक्यूट नहीं होंगी और जो प्रोग्राम है वो जंप करके वाइल्ड के क्लोजिंग ब्रेसेस या लास्ट स्टेटमेंट के बाद से एक्सिक्यूशन कंटिन्यू करेगी सो वी सेड दैट द वाइल्ड लूप एक्सिक्यूट जीरो और मोर टाइम्स व्हाट हैपेंस इफ यू वांट द लूप टू एट लीस्ट वन टाइम ठीक नाउ देर आर मेनी सिचुएशंस थोड़ा सा मैं कोई एग्जाम्पल कंट्राइव कर लेते हैं ठीक है हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जी सपोज हमने एक गेसिंग गेम लिखनी है गेसिंग गेम में हम क्या करना चाह रहे हैं हम कहते हैं जी चलें कंप्यूटर कोई लेटर जैसे की बोर्ड पे से ना ए से जेड तक ले लेते हैं कि जी कोई लेटर कंप्यूटर को कुछ पता है और आपने गैस करना है ठीक है हम कहते हैं चलें पाँच ट्राइज आप ट्राई करें और पाँच ट्राइज़ में आप गैस करें कि कंप्यूटर ने अपने पास कौन सा लेटर छुपाया हुआ है अब इस प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो यू विल रियलाइज़ दैट कम अज़ कम एक ट्राई तो होनी है ना द फर्स्ट ट्राई मे बी द करेक्ट वन एंड द प्रोग्राम शुड से जी वेल डन यू नो यू गॉटन द करेक्ट आंसर

सो so, अगर आप सिर्फ नाम को ही देखें वाइल्ड लूप के अंदर हम हमने क्या कहा था कि जी वाइल सम कंडीशन इज़ ट्रू डू दीज स्टेटमेंट्स ठीक है सो द कंडीशन वॉज टेस्टेड ऑन टॉप फर्स्ट द कंडीशन वॉज टेस्टेड एंड देन द स्टेटमेंट्स वर एक्सीक्यूटेड इन दिस केस वी से डू दिज थिंग्स वाइल्ड दिस कंडीशन इज़ ट्रू विच मीन्स डू के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एक दफ़ा तो एक्सीक्यूट होंगी उसके बाद जाके के वाइल की जो कंडीशन uh, है उसका टेस्ट की बारी आएगी विच मीन्स अ डू वाइल लूप एक्सीक्यूट्स लीस्ट वंस सो इसको हम कहते हैं कि जी अ डू वाई लूप एक्सीक्यूट्स वन और मोर टाइम्स लेट्स टेक अ लुक एट दिनटेक्स ऑफ द डू वाइल लूप डू वाई लूप लिखते वक्त हम ऊपर लिखते हैं डू और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस आ जाता है और कर्ली ब्रेस के बाद उसकी बॉडी की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो हम चाहते हैं कि जी लूप के अंदर एक्सिक्यूट हों और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद हम लिखते हैं वाइल और वाइल के बाद लिखते हैं पैरेंथीसिस खोलते हैं और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं फिर पैरेंथीसिस बंद करते हैं एंड द गुड ओल्ड सेमिकोलन कम्स अलॉन्ग नाउ द वेट वर्क्स अगेन आई विल रिपीट द कंडीशन कैन बी अ सिंपल कंडीशन

कि जी कौन सा कैरेक्टर है जो कि यूज़र गेस करेगा उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि जी पांच ट्राइज होंगी सो यू वुड हैव समथिंग लाइक एक आपको काउंटर चाहिए या एक वेरिएबल चाहिए जिसमें कितनी ट्राइज हो चुकी हैं वो स्टोर हो रही हो सो लेट्स कॉल इट ट्राई नम सो ट्राई नंबर का शॉर्ट रिमेंबर वी ट्राइंग टू यूज़ अ नेम अ वेरिएबल नेम विच इज़ इन सेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप जब कोड पढ़ें तो आपको कोड की पढ़ते हुए ही समझ आ जाए कि क्या हो रहा है कैरेक्टर जो इनपुट होगा दैट कैन बी एनी थिंग लेट्स कॉल इट सी तो अब हम पहली दफ़ा एक कैरेक्टर की डेक्लेशन की तरफ जा रहे हैं सो so, ऊपर हमारी स्टैंडर्ड लाइनें आ जाती हैं इनपुट आउटपुट के लिए मेन आ जाता है वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं पहले हम एक कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो so वो होगा चार सी एच ए आर फिर स्पेस छोड़ के सी सेमीकोलन ये एक कैरेक्टर वेरिएबल है इसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है कैरेक्टर क्या चीज़ है वही आपके कीबोर्ड के जितने बटन हैं हर बटन अदर देन द नॉन टाइपिंग कीज़ दे रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर सो ए बी सी डी ईच वन ऑफ देम इज़ वन कैरेक्टर द वन टू थ्री नंबर्स जो हैं एज डिजिट्स दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग वन कैरेक्टर अमा सेमी कोलन ग्रेटर देन साइन क्वेश्चन मार्क दीज आर ऑल कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया सी साथ हमने दूसरा वेरिएबल डिफ़ाइन करना है जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ ट्राइज को स्टोर करेंगे उसके लिए हम कह देते हैं इंट ट्राई नम सो ऑब्वियसली इंटिज इज़ अ लॉजिकल चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज यू कॉन्ट है हाफ ट्राइज इट्स गोइंग टू बी होल नंबर सो माइट इज़ वेल यूज एन इंटीजर वेरिएबल ट्राई नम आ गया आगे हमने लेट से इंटरनली कोड कर लिया है कि जी हम यूजर से कहेंगे कि जी Z दबाया तो वो सही आंसर होगा कोई और दबाया तो वो गलत होगा अब हम लूप शुरू करते हैं सो so, हम कहते हैं डू फिर कर्ली ब्रेस और उसके बाद सबसे पहले एज यूजल गिव द यूज़र अ प्रॉम्प्ट टेल द यूज़र वॉट यू एक्सपेक्ट फ्राम हिम सो वी हैव अ सी आउट स्टेटमेंट से प्लीज़ एंटर योर गेस बाय प्रेसिंग अ कैरेक्टर क्री फ्राम ए टू जेड ठीक है सो so, एक एक्सप्लेनेटरी प्रॉम्प्ट आ गया उसके बाद हम उसकी की स्ट्रोक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ने का कौन सा हमारे पास फंक्शन है हमारे पास सी इन है सो वी हैव सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन सी अब ये सी जो है ये वो कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें वो की स्ट्रोक जो यूज़र दबाएगा वो स्टोर होगी तो अब ये डू के अंदर आ रहा है कि एक दफ़ा हमने प्रॉम्प्ट दिया और फिर उसने जो भी कैरेक्टर इनपुट किया वो सी के अंदर स्टोर हो गया नेक्स्ट स्टेप अब इसको कंपेयर करना है कि इंटरनली हमने डिसाइड किया था कि Z जो है वो करेक्ट आंसर होगा तो क्या उसने Z दबाया या कोई और दबाया है सो so, यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट लगेगी सो वी से इफ C द वेरिएबल C डबल इक्वल टू विच इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर एंड द इक्वालिटी कंपैरिजन इफ C डबल इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क Z सिंगल कोटेशन मार्क क्लोज अब ये देखें एक कैरेक्टर कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन का तरीका है यह है सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर लिख देना जो है वो एक कैरेक्टर गिना जाता है देखें इसको मैं आई एम डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग विच वॉज रिप्रजेंटेड बाई बी इंक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स सो सिंगल कोट्स इनक्लोज अ सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर दो कैरेक्टर्स लिखना जो है वो एक सिंटेक्स एरर होगा सो so, हमारी इफ स्टेटमेंट जो है वो रीड करती है कि जी इफ़ C is equal to single quotes Z single quote end parentheses अब आगे फिर वो स्टाइल वाला इशू आ जाता है अगर तो एक स्टेटमेंट इशू करनी है तो आप बग़ैर ब्रेसेस के कर लें लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ब्रेसेस इस्तेमाल कर लिया करें ज़्यादा ब्रेसेस से गलती कोई नहीं होती लेकिन कोड की क्लैरिटी बढ़ती जाती है तो इफ के बाद हमने ब्रेसेस फिर खोल दिए अब नीचे आप या तो यूज़र को कॉन्ग्रेचुलेट कर दें कि जी उसने अगर Z दबाया है सही आंसर दिया है तो यू से सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द करेक्ट आंसर अभी मैं सिर्फ कोड पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि लॉजिक की तरफ अभी नहीं हम आए क्वेश्चन ये है कि जी इसके बाद क्या किया जाए उसने तो आंसर गेस कर लिया तो किसी तरीके से आपने लूप से बाहर निकलना है लेकिन अभी हम अगर आपके पास कोड आप हैंड में देख लें आपको पता चलेगा कि जी ये लूप की कंडीशन क्या है फॉर द मोमेंट हम अभी यहाँ कुछ नहीं कहते हम कहते हैं कि जी एल्स के अंदर क्या करना है या तो उसने सही जवाब दे दिया और या उसने सही जवाब नहीं दिया तो एल्स में और कुछ नहीं करना और हम कह देते हैं या एल्स के अंदर नंबर ऑफ ट्राइज को इंक्रीमेंट कर देते हैं सो वी से ट्राई नंबर इक्वल टू ट्राई नम प्लस वन एंड ऑफ ब्रेसेस फॉर द इफ स्टेटमेंट एंड देन एंड ऑफ ब्रेसेस फॉर द डू लूप जिसके बाद आप अब लिखेंगे वाइल और पैरेंथिस के अंदर हम लिख रहे हैं trynum is इज़ लेस equal इक्वल टू फाइव यहाँ पे अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि जी ऊपर हमने trynum मैंने मेंशन नहीं किया था उसको इनिशलाइज़ हमने करना है एज़ वन सो वी इनिशलाइज टू वन हर दफ़ा लूप में से गुजरे जब भी आपने गलत गैस किया उसने trynum को एक से इंक्रीमेंट कर दिया पांच दफ़ा अगर आप गैस नहीं कर सके तो लूप खत्म हो जाएगी वो बाहर आ जाएगा ये एग्जाम्पल जो तो हम बात कर रहे हैं ये है डू वाइल के लिए जिसके अंदर कम अज़ कम एक दफ़ा गैस करना लाजमी है सो so, अब अगर इसको फिर से ऊपर देखें कि जी अगर गैस जो है वो सही हो गया तो लूप से निकलें कैसे नाउ यू हैव टू लुक एट द लूप कंडीशन एंड से वेल द लूप कंडीशन देन और यू वॉन्ट टू एग्जिट इफ वी मेक ट्राइनम ग्रेटर दैन फाइव इन साइड द लूप तो जब कंडीशन टेस्ट होगी वो फेल हो जाएगी विच मीन्स लूप विल टर्मिनेट सो द बेस्ट थिंग इन दिस केस वी विल सी मोर एफिशियंट वेज ऑफ डूइंग इट लेटर बट इन दिस केस इफ यू से समथिंग लाइक इफ सी इक्वल्स विद इन सिंगल कोट्स जी विच मीन्स द करेक्ट आंसर वी गिव द यूजर अ प्रॉन्ंग सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव मेड द करेक्ट गेस एंड वी सेट द लूप काउंटर विच इन दिस केस इज़ ट्राई नम A value that will violate the while condition. So, we say trinum equal to 6. Jabo 6 kardi else execute nahi hoga, while pe jabai ga to trinum less than equal to 5, that condition will return false because trinum is no longer less than or equal to 5, the loop will terminate, aap loop se baharaja inge. So, ye ek chota samin aak, for example, diya, very contrived, ji do while, which means a loop. वे वी वॉन्ट एक्सिक्यूशन टू हैपन एटलीस्ट वंस इन द लूप बॉडी अब इसी का अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो उसकी शक्ल क्या होगी उसको जरा देख लेते हैं डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट जो है वो वाइल लूप से सिमिलर बनेगा लेकिन जो उसका टेस्ट है वो प्रोसेस के बाद आएगा सो so, अगर आप तस्वीर को देखें जो आपके हैंड में भी आपके पास है हम ऊपर जो रेक्टेंगल है ऊपर से हम लाइन लाए रेक्टेंगल के अंदर लिखा डू हाइफन वाइल दिस इज टू डिफ्रेंशिएट कीजिए किस किस्म की लूप चल रही है सो so, हमने डू वाइल लिख दिया डू वाइल से हमने राइट right को लाइन निकाली द फर्स्ट लेवल ऑफ इंडेंटेशन रिमेंबर वाइल लूप है तो इसके ब्रेसिस में भी हम इंडेंट करेंगे और फिर नीचे ला के हमने पहले प्रोसेसिंग ब्लॉक लिखा यानी वही रेक्टेंगल बनाया जिसके अंदर जो भी चीज़ हम लूप के अंदर एक्सिक्यूट करना चाहते हैं वो उस रेक्टेंगल के अंदर लिख देंगे उससे आगे निकलें तो यहाँ पे लूप कंडीशन आती है विच मीन्स डायमंड लगेगा और डायमंड के अंदर कंडीशन लिखी जाएगी इन दिस केस वी वुड हैव रिटर्न ट्राइनम लेस देन इक्वल टू फाइव क्वेश्चन मार्क और नॉर्मली जब भी ये डायमंड लगता है तो एक लाइन जो है वो तो ट्रू की कंडीशन नीचे को निकाल के हम लाइन ऊपर मिला देते हैं तो ये लूप इंडिकेट कर देती है एंड फॉर आर कन्वीनियंस वी नॉर्मली इंडिकेट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डायमंड सेंग नो विच मीन्स के द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू और वहाँ हम सिर्फ लिख देते हैं एग्जिट इस चीज़ का ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है कि एग्जिट कहाँ हो रही है एग्जिट जो ऊपर से लाइन आई थी और डू वाइल के रेक्टेंगल में गई थी उससे नीचे को जो लाइन निकल रही है दैट इज़ द एग्ज़िट पॉइंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस इज़ ट्रू फॉर द वाइल कॉन्स्ट्रक्ट इट इज़ ट्रू फॉर द डू वाइल कॉन्स्ट्रक्ट और इफ़ स्टेटमेंट का भी अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो उसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे ऊपर से लाइन लाते थे और वही सीधी नीचे जाती थी यानी इफ़ ब्लॉक के अंदर भी देर वॉज सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट एज यू माइट हैव है आई सेट दिस इन अ स्पेशल मैनर एंड देर वॉज अ रीज़न बिहाइंड इट दीज आर वर्ड्स यू विल विलयर अगेन एंड अगेन एज वी गो अलॉन्ग इंटू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हमने प्रोग्राम तो लिख लिया लेकिन इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रकट थी जिसका कोई ख़ास मज़ा नहीं आया वो कॉन्स्ट्रकट थी लूप से बाहर निकलने का तरीका यानी कि जब यूज़र ने करेक्ट गेस कर लिया तो उस वक्त हम लूप से बाहर क्या निकले इन्हें बड़ा एक आर्टिफिशियल किस्म की चीज़ लगती लिखती कि जी वायल कंडीशन को देख लें वाइल कंडीशन कह रही है ट्राई नम लेस दैन इक्वल टू फाइव तो ट्राई नम की वैल्यू बदल दें उससे हम बाहर निकल जाएंगे इससे ज़्यादा एलिगेंट तरीका है बाई यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स क्यों ना हम लूप की जो टेस्ट कंडीशन है उसी के अंदर डाल दें कि जी यूज़र ने अगर सही जवाब दिया है तब भी लूप से निकल जाओ सो लेट मी गिव यू द वन लाइन फॉर लेट्स से अ वाइल्ड लूप जिसके अंदर ये टेस्ट बिल्ट इन होगा अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ ट्राइज अब सपोज करें कि जी हम करते ये हैं कि जी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं मैक्स ट्राइज और कह देते हैं कि जी मैक्स ट्राइज जो है वो फाइव होगा और ट्राइ नाम जो है वो एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे जितनी दफ़ा भी यूज़र ने गेस किया कि जी कंप्यूटर ने कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ है तो इसके अंदर इनिशलाइजेशन के अंदर तो आ जाएगा समथिंग लाइक ट्राए नाम इक्वल टू वन और मैक्स ट्राइज इक्वल टू फाइव उसके बाद यू माइट वांट कि जी पहला गेस बाहर ले लो सो यू हैव सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एंड देन इनटू द कैरेक्टर कैरेक्टर वेरिएबल कॉल्ड सी और फिर लूप जो है उसकी कंडीशन दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन वी से वाइल, ट्राइनम इज लेस देन इक्वल टू मैक्स ट्राइज एंड अब ये एंड याद है आपको रिलेशनल ऑपरेटर है इसके डबल एम परसेंट के साथ लिखा जाता है सो एंड सी वो वेरिएबल जो यूज़र ने गेस किया था इज़ नॉट इक्वल टू सो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू और फिर जो भी हमने उसमें गैस डालना था पिछली एग्जाम्पल में हमने जेड रखा हुआ था यहाँ पे भी चलने जेड रख लेते हैं तो सिंगल कोर्स के अंदर जेड सो अब वाइल की जो कंडीशन है वो दो हिस्सों के साथ कंस्ट्रक्ट हो रही है और फिर उनके अंदर एक रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है अब कंडीशन को अगर आप पढ़ें और उसको समझें तो इट्स ऑब्वियस कि या तो नंबर ऑफ़ ट्राइज जो है वो मैक्स ट्राइज से बढ़ गया तो लूप एग्ज़िट हो जाएगी या यूज़र ने अगर करेक्ट गैस कर लिया तो लूप खत्म हो जाएगी और फिर लूप के अंदर हम पढ़ते जाते हैं कैरेक्टर्स और प्राइस को इंक्रीमेंट करते जाते हैं ये कोड आपके पास होना चाहिए हैंड आउट्स के अंदर सो देर आर मैनी वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ लूप एलिगेंस जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ यानी आप डिवेलप करेंगे और ये भी डिसीजन आप आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप करेंगे ये कौन सी लूप इस्तेमाल करनी है अभी आपके पास दो हैं इन योर टूल एक है वाइल्ड लूप और एक है डू वाइल्ड लूप सी के अंदर एक तीसरी किस्म की लूप भी है वो है फॉर लूप फॉर लूप में जाने से पहले पहले तो तरा देखा जाए कि जी लूप में हम करते क्या हैं अभी तक क्या करते हैं आई होप कि आप अपने तौर पे बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे होंगे डोंट जस्ट वेट फॉर द लेक्चर एंड से कि जी लेक्चर के अंदर जो कर दिया तो वो जे ज़बर देख लिया और अपने तौर पर काम ना किया देर आर एक्सलेंट एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स इन द बुक एंड आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू कि जी उनके अंदर से भी आप प्रैक्टिस करें और अपने एग्जांपल्स भी घड़ें आई मीन यू कैन पोज प्रॉब्लम्स फॉर योर क्लास फेलोज ठीक है ना अपने साथियों के लिए आप प्रॉब्लम पोज करें वो सॉल्व करें वो पोज करें आप सॉल्व करें कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ लूप्स ना लूप्स में हम करते क्या है आपने देखा होगा कि जी हमेशा कोई ना कोई चीज़ पहले इनिशलाइज कर रहे होते हैं उसके बाद एक हमने कोई टर्मिनेशन के लिए कंडीशन डिवाइस करनी है कि जी लूप खत्म कब होगी और फिर लूप को ख़त्म करने के लिए उस कंडीशन को अफेक्ट भी करते हैं लूप की बॉडी के अंदर कि जी कोई वेरिएबल है जिसको टेस्ट किया जा रहा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू बदल रही हो लूप के अंदर क्योंकि अदरवाइज तो इन्फिनिट लूप बन जाएगी सो so, हमेशा देर इज एन इनिशलाइजेशन देर इज़ ए टर्मिनेशन टेस्ट एंड देर इज़ सम काइंड ऑफ यूजली इंक्रीमेंटिंग कंडीशन ना देर आर मैनी अदर पॉसिबिलिटीज़ बट दिस इज़ वेरी कॉमन इसके लिए सी ने फॉर लूप भी आपको प्रोवाइड की हुई है और फॉर लूप का सेंटेक्स जो है वो आपके हैंड आउट्स में भी है इट्स वेरी सिंपल इट इज़ फॉर और फिर फॉर के बाद पैरेंथिस डाल के आप कहते हैं इनिशलाइजेशन कंडीशन फिर सेमी उसके बाद आपके पास टर्मिनेशन कंडीशन आती है कब लूप खत्म होगी फिर सेमी उसके बाद यूजली हम कोई इंक्रीमेंटिंग कंडीशन डाल देते हैं कि जी लूप का नेक्स्ट चक्कर जो है वो किस तरह इंक्रीमेंट करके चलेगा पैरेंथिस क्लोज करते हैं ये फॉर की स्टेटमेंट हुई उसके बाद फिर वही आप ब्रेसेस लगाएं विच आर ऑप्शनल ऑप्शनल इन द केस दैट द फॉर लूप ओनली हैज़ वन स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी इफ इट हैज़ मोर देन वन स्टेटमेंट द ब्रेसिस आर रिक्वायर्ड ब्रेसिज खोलें अंदर एक या उससे ज़्यादा या हज़ारों स्टेटमेंट्स लिखें हज़ारों ना लिखिएगा वी वॉन्ट टू कीप एवरी मॉड्यूल वेरी स्मॉल और फिर ब्रेसेस बंद कर दें यह एक फॉर लूप की बॉडी बनती है फॉर लूप का स्ट्रक्चर जो है और इसकी यूजेज इतनी कॉमन है दैट यू मे फाइंड दैट दिस इज़ द मोस्ट ऑफन यूज लूप कंस्ट्रक्ट जो आप ख़ुद अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे होंगे एक एग्जाम्पल के लिए ये टू लाइन बाकी सब तमहीद वगैरह बाद में देख लें आपके पास लिखी हुई भी है लेकिन एक सिंपल अगर ले लें कि जी फॉर लेट्स ए काउंटर इज एन इंटिज अबल सो वी सोर काउंटर इक्वल टू ज़ीरो सेमीकोलन काउंटर लेस दैन टेन सेमी कॉलन काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन परस इज क्लोज नेक्स्ट लाइन सी आउट लेस दैन लेस दैन काउंटर सेमीकोलन सिर्फ इन दो लाइनों को चलाएंगे तो यू विल नोटिस के काउंटर जो है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तक गिनेगा सो यू हैव अ फुल लूप विच इज़ वेरी नाइस के जी उसी के अंदर आपने इनिशलाइजेशन भी की आपने टर्मिनेशन कंडीशन भी बता दी इन दिस केस काउंटर लेस दैन टेन सो जितनी देर काउंटर की वैल्यू जो है वो दस से कम है उतनी देर तक ये लूप चलेगी जैसे ही वो बढ़ गई लूप से आप बाहर आ जाएंगे लेकिन काउंटर की वैल्यू कहाँ बदल रही है वो जो आखिरी क्लॉज है विच इज़ काउंटर एक काउंटर प्लस वन वन थिंग क्रिटिकल ये सिंटैक्स की बात है सो यू हैव द बुक एज अंस जो आखिरी हिस्सा है फॉर लूप का विच इज़ द इंक्रीमेंटिंग कंडीशन वहाँ पे सेमी कोलन हम नहीं डालते देर आर ओनली टू सेमी विद इन द पैरथिस फॉलोइंग द फॉर स्टेटमेंट सी के फॉर के साथ एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाते हैं और देखते हैं कि जी ये कितनी कन्वीनियंटली कितना कुछ हमारे लिए कर देती है सपोज हम टेबल प्रिंट करना चाहते हैं टेबल्स याद हैं पहाड़े दो का पहाड़ा लिखना चाहते हैं ठीक है सो वॉट वी वॉन्ट इज टू मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स फोर एंड सो ऑन चलिए दस तक करते हैं कंप्यूटर तो जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जाएगा सो टू मल्टीप्लाइड बाई टेन इक्वल टू ट्वेंटी विल बी आर लास्ट लाइन सो टू हमने फिक्स कर दिया प्रॉब्लम को जरा से एनाइज करते हैं कि जी कैसे चलेगा वॉट यू वुड वॉन्ट इज फॉर यू वुड वॉन्ट टू रन अ काउंटर फ्रॉम वन टू टेन एंड अगर उसका वेरिएबल जो है लूप का वेरिएबल वही हम लिख लेते हैं लेट्स से काउंटर नाम रख लेते हैं उसका सो so, हर दफ़ा लूप के थ्रू आप प्रिंट क्या करना चाहते हैं टू टाइम्स काउंटर और साथ उसके अंग्रेजी के जी टू मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द काउंटर लेट्स से वन इक्वल्स टू इस तरह आप लिखना चाहते हैं सो द प्रोग्राम इज़ वेरी सिंपल आई स्ट्रीम इंक्लूड कर ली मेन कर लिया ओपनिंग ब्रेसेस आ गए इसके अंदर आपने वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर करने हैं इन दिस केस तो ओनली वेरिएबल यू नीड टू डिक्लेयर इज काउंटर एंड देट विल बी ऑफ टाइप इंट सो वी से इंट काउंटर सेमीकोलन उसके बाद स्ट्रेट ऑफ यू कैन गो टू द फॉर लूप सो वी से फॉर काउंटर इक्वल्स वन सेमी कोलन काउंटर लेस देन इक्वल टू टेन सेमी काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन परसिज क्लोज्ड ब्रेसिस ओपन अब ये फॉर लूप की बॉडी आ रही है अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर देखें एक मैंने एक ही लाइन पे सारा कुछ लिख दिया है सी आउट के साथ सब कुछ ही लिख दिया तो हमने लिखा सी आउट लेस देन लेस देन अब डबल कोटेशन मार्क्स में हमने लिखा टू फिर एक्स शॉर्ट फॉर मल्टीप्लाई फिर डबल कोटेशन मार्क्स क्लोज ये तो हो गई कैरेक्टर स्ट्रिंग ये जैसे आपने लिखी है वैसे ही स्क्रीन के ऊपर अपीयर करेगी फिर लेस देन लेस देन अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं जैसे टू टाइम्स वन या टू टाइम्स टू या टू टाइम्स थ्री तो वो वैल्यू आ रही है काउंटर वेरिएबल से सो so, इस डबल लेस देन साइन के बाद आप लिखेंगे काउंटर तो so, जो भी काउंटर की वैल्यू होगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी एंड लेट्स कॉन्टिन्यू वी से लेस देन लेस देन फिर डबल कोटेशन मार्क्स में हम लिखते हैं इक्वल टू और फिर लेस देन लेस देन अब आपने वैल्यू लिखनी है किस चीज़ की टू मल्टीप्लाइड बाय काउंटर

लंबी सी लाइन है जब ये चलेगा तो ये लिखा होगा टू मल्टीप्लाइड बाई वन इक्ल्स टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स फोर और हर दफ़ा एक न्यू लाइन विच मीन्स नई लाइन से काम शुरू हो रहा होगा ये लिखते हैं उसके बाद एक्चुअली तो काम ही ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें और कोई चीज़ इंक्रीमेंट करने वाली नहीं है फॉर लूप ने खुद ही काउंटर को काउंटर प्लस वन कर दिया है दैट्स इट क्लोजिंग ब्रेसेस डालें प्रोग्राम को कंपाइल करें चलाएं। नोटिस क्योंकि टू का टेबल लिखा गया इसी प्रोग्राम का अब अगर फ्लो चार्ट की तरफ और करें कैसे बनेगा वाइल्ड लूप या फॉर लूप इनका फ्लो चार्ट जो है तकरीबन एक तरह से ही बन जाता है आप उसको जिस तरह मर्जी बनाएं देखें हम जब फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं उसके अंदर देट इज़ लाइक अ प्रोग्रामिंग एड इट इज नॉट द प्रोग्राम विच मीन्स के जी कोई लाजमी नहीं है कि जी फॉर लूप का अलहदा से एक फ्लो चार्ट हो वाइल लूप का अलहदा से फ्लो चार्ट हो वी वुड जस्ट यूज़ अ लूप कंस्ट्रक्ट सो यू कैन यूज़ वाइल्ड इफ़ यू वॉन्ट देन वैन एक्चुअली राइटिंग द कोड यू मेक अ डिसीजन वेदर यू वॉन्ट टू यूज़ वाइल्ड और अ फॉर और अ डू वाइल सो इट्स सिम्पल इनाफ यू हैव द स्टार्ट ओवर उसके बाद यू हैव इनिशलाइजेशन ऑफ द काउंटर लेट्स अ काउंटर इक्वल्स वन एंड यू कैन से वाइल काउंटर लेस दैन इक्वल टू टेन नीचे प्रिंट टू टाइम्स काउंटर और लूप कंप्लीट कर दी स्टॉप खत्म ठीक है ना वेरी सिंपल फ्लो चार्ट आई प्राउडली मैंशन अर्लियर कि अभी हमारा ऑर्डर रिवर्स ही है हम प्रोग्राम पहले लिखते हैं फिर देखते हैं उसका फ्लो चार्ट क्या बन रहा है ये एक्सरसाइज मैं इस वास्ते बार बार रिपीट कराता हूँ कि आप जो आपका फ्लो चार्ट है उसको अपने कोड के साथ रख के देखें एंड यू विल फाइंड दैट देर इज़ अ वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस एंड दे मैच वेरी वेरी क्लोजली इट इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर कि जब आप कोई फ़्लो चार्ट लिखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का फिर उसका जब कोड बनाएंगे तो फ्लो चार्ट को देख के आपके कोड के पीसेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आपको पता होगा ये ब्लॉक यूँ लिखा गया था ठीक है न इट मेक्स लाइफ अ लॉट ईजियर इफ़ यू डू दैट सो प्रैक्टिस विद फ्लो चार्ट अलॉन्ग विद राइटिंग द कोड चलें इसी प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा सा पुराने जो प्रिंसिपल आज तक हमने बात की है जिनकी उनको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं देखिए एक सिंपल हमने ना टेबल्स का प्रोग्राम लिखा ये टू का टेबल प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर तो एज़ यूजल जो मैंने कहा था कि जी मैं तंग बहुत करता हूँ तो अब मैं कहता हूँ कि वेरी गुड अब थ्री का टेबल लिखो या फोर का टेबल लिखो एंड सो ऑन वट वुड यू डू एवरी टाइम यू वुड हैव टू गो बैक टू द प्रोग्राम मेक द चेंजेस ठीक है ना जहाँ पे भी आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर भी टू एक्स लिखा था उसको भी बदलेंगे जहाँ पे आपने टू टाइम्स काउंटर लिखा था उसको भी बदलेंगे एंड यू वुड होप दैट यू मेड ऑल द चेंजेस जहाँ जहाँ टू आया है गलती से कोई और टू जो लिखा हो प्रोग्राम लॉजिक का हिस्सा हो सकता है उसको आप नहीं बदलना चाहते सो यू दे आर इश्यूज सो वन शुड ऑलवेज़ थिंक री ठीक है ना वन शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ री यूज वेन यूर डिज़ाइनिंग द प्रोग्राम सो लेट्स गो बैक एंड थिंक जी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में विच इज़ राइटिंग द टेबल ऑफ अ नंबर उसके अंदर क्या क्या रिव्यूज़ की तरफ हम जा सकते हैं कितना इसको जनरलाइज किया जा सकता है एक तो ऑबियस चीज़ है कि जी टू का टेबल नहीं चाहिए मुझे फोर का टेबल चाहिए सो so, जिस नंबर का टेबल हम बनाना चाह रहे हैं वो भी यूज़र इनपुट की तरफ ले जाया जाए, जाए उसको दूसरी चीज़ कोई और ख्याल आता है सपोज के हम कहते हैं कि जी आ, ओके आप हमेशा वन टू टेन ही लिखते हैं टेबल शुरू तो हम वन से ही करेंगे वॉट इफ आई वॉन्ट द टेबल फ्राम वन टू सो टू टाइम्स टेन पे ख़त्म ना हो टू टाइम्स ट्वेल्व पे जाके ख़त्म हो सो दस वुड बी टू गुड एडिशन्स टू दिस प्रोग्राम और टू गुड मॉडिफिकेशन टू डू दिस वॉट वी डू वेरी सिंपल जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल्स दैट आर नीडेड ऑबटेन इनपुट फ्राम द यूजर अकॉर्डिंग टू द न्यू वेरिएबल्स एंड देन एक्सिक्यूट द प्रोग्राम सो अगर हम शुरू से ही लिखते तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरह का बन जाता हम एक तो वेरिएबल डिफाइन करते किस नंबर का टेबल बनाना है सो इंट नंबर उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते कि जी टेबल कहाँ तक बनाना है शुरू हम वन से कर रहे हैं सो विट से इंट मैक्स मल्टीप्लायर चलें यूं कर लेते हैं तो अब आगे जाके जब आप फॉर लूप लिखेंगे तो यही चीज़ें रिमेंबर काउंटर तो हमने डिक्लेयर पहले भी किया था अब भी करेंगे तो फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे फॉर counter equals 1 semicolon counter less than or equal to max multiplier semicolon counter equals counter plus 1. तो फॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर तो ये मॉडिफिकेशन कर देंगे उसके बाद ब्रेसिस डालें ना डालें to you बिकॉज एक सिंगल लाइन आ रही है तो सी आउट जो है उसके अंदर पहले हमने लिखा था डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर 2 multiplied by अब इस मॉडिफिकेशन के साथ टू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा वो चलते वक्त चेंज हो सकता है आई एम सॉरी अभी हमने टू की भी वैल्यू लेनी है यूज़र से सो फॉर लूप से पहले जो है हम कह रहे हैं कि जी यूज़र ये भी बताए कि कौन से नंबर का टेबल बनाना है सो एज़ यूजल बींग पोलाइट वी शुड हैव अ सी आउट स्टेटमेंट सेंग सी आउट प्लीज एंटर द नंबर फॉर विच यू विश टू कंस्ट्रक्ट द टेबल एंड देन यू से सी इन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन नंबर सो नंबर की वैल्यू आप फॉर लूप से पहले ले लेंगे अब जब फॉर लूप के अंदर दाखिल हुए काउंटर इक्वल टू वन काउंटर लेस दैन इक्वल टू मैक्स मल्टीप्लायर काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन सी आउट के अंदर टू एक्स नहीं लिखेंगे डबल कोर्ट्स के अंदर आप लिखेंगे सी आउट लेस दैन लेस दैन नंबर अब नंबर की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी फिर लेस दैन लेस देन डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप कहेंगे एक्स शॉर्ट फॉर मल्टीप्लाइड बाय और फिर लेस देन लेस देन का बाकी तकरीबन वही रहेगा काउंटर फिर लेस देन लेस देन इक्वल्स अब टू टाइम्स काउंटर नहीं आएगा वो होगा नंबर टाइम्स काउंटर और फिर न्यू लाइन कैरेक्टर अब ये एक आपका प्रोग्राम जो है ये जेनेरिक बन गया है ठीक है अब पहले आप बताएं कि जी किस नंबर का टेबल बनाना है और फिर बताएं कितना लंबा टेबल बनाना है बारह पे रुकना है सोलह पे रुकना है एक हज़ार पे रुकना है ठीक है ना ऑफ कोर्स स्क्रीन से उतर जाएगा द लाइन विल स्क्रोल ऑफ द स्क्रीन बट यू कैन डू इट आई मीन नाउ इट इज़ वेरी वेरी जनरल सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑलवेज़ थिंक री ओके ऑलवेज थिंक हाउ कैन दिस प्रोग्राम बी मेड मोर जनरल सो दैट अगर मुझे इसका कोई और काम इससे लेना पड़े तो मुझे खोल के कोड मॉडिफिकेशन के अंदर ना जाना पड़े इसके साथ एक और टिप देता चलूँ सपोज ये तो हमारे कॉन्ट्राइव एग्जाम्पल्स हैं ना इस कोर्स के लिए द अदर एरिया वट वन कैन डू इज सम्स वी कॉन्ट डू दिस समाइम्स वी कॉन्ट गिव द यूज़र अ प्रॉम्प्ट के जी ये नंबर डालो और ये डालो वी स्टिल वॉन्ट के प्रोग्राम सेल्फ कॉन्टेंट हो हम कंपाइल करें एक्सिक्यूट करें वो चले और हमें जवाब दे दे और यूज़र इनपुट ना वो ले रहा हो लेकिन कुछ बीच में कॉन्सटेंट्स हम डाल रहे होते हैं दैन एज अटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल इट इज़ बेटर टू ब्रिंग दैम अपनी नीर द टॉप ऑफ द प्रोग्राम एंड ग्रुप दैम टूगेदर सो दे आर वेरी वेरी विजिबल उसके बाद कॉन्स्टेंस बजाते ख़ुद आप किसी कैल्कुलेशन में इस्तेमाल ना करें जहाँ तक मुमकिन है दीज आर गाइडलाइंस दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स वजह उसकी कि जी वही बात की अगर टू का टेबल लिखना है तो जहाँ पर हमने टू टाइम्स काउंटर लिख रहे थे हर लूप के अंदर फिर वह ढूंढना पड़ेगा उसको मॉडिफाई करने के लिए अगर हम पहले एग्जाम्पल में भी इस तरह कर लेते थे ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते इंट नंबर और फिर नंबर इक्वल टू लिख देते और नीचे लूप के अंदर लिख रहे होते सी आउट के साथ नंबर टाइम्स काउंटर तो ज़िंदगी आसान इस वास्ते होती कि जी अब आपको इस चीज़ से फ़िक्र नहीं है कि जी नीचे कोई और बदलने वाली जगह तो नहीं रहेगी एक जगह जाके नंबर इक्वल टू की बजाय नंबर इक्वल थ्री कर दें आपको पता है कि जी आगे नंबर जो वेरिएबल है वो इस्तेमाल हुआ है प्रोग्राम में सो इट्स अ प्रोग्रामिंग गाइडलाइन दैट यू शुड ट्राई नेवर टू यूज़ एक्सप्लिसिट कॉन्सटेंस इन योर कैल्कुलेशन और इन अ लॉन्गेस्ट रूटीन क्योंकि बाद में कभी उनको मॉडिफाई करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई ना कोई रह जाता है यूजली सिंटैक्स एरर उसकी वजह से नहीं आता लेकिन लॉजिकल एरर विच मीन्स नॉट जस्ट बैड लॉजिक इट सिंपली मीन्स आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट दैट यू वॉन्ट इट इस तरह की चीज़ें होने लग पड़ती हैं सो वी डोंट वॉन्ट देम टू हैपन दैट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग गाइडलाइन अब हम बात करते हैं जो कॉन्स हम देखते आए हैं और बार बार लिखते जा रहे हैं क्या उनके लिए कोई आसान तरीका है कि नहीं देखें हमने वाइल्ड लूप जब शुरू की थी तो हमने नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन नम इक्वल टू नम प्लस वन ट्राई नम इक्ल टू ट्राई नम प्लस वन फॉर लूप में आए हैं काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस वन ये लिखना शुरू हो गए आई थिंक इवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट लेक्चर और मे बी द सेकेंड लेक्चर मैंने ये मैंशन किया था कि जी ये इतना कॉमन कंस्ट्रक्ट है कि हम बार बार इसको लिख रहे होंगे सो यू शुड नो इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड वॉट इट मीन्स इंटरेस्टिंगली इनफ क्योंकि सी लैंग्वेज बजाते ख़ुद प्रोग्रामर ने ही लिखी थी उनको भी पता था कि जी यही होता है तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेटर ही बना दिया कि यह काम इतना कॉमन है कि उन्होंने एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बना दिया दिस इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर इज रिटन प्लस प्लस दो प्लस साइंस इकट्ठे सो इफ यू काउंटर प्लस प्लस इट इज़ द सेम एज काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन के इट्स एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट हैंड यह भी आप तीन चार दफ़ा लिखेंगे तो उसके बाद ये जैसे कहते हैं ना उट एट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे फॉर लूप के अंदर फॉर काउंटर इक्वल टू जीरो नया ऑपरेटर है जो कि काउंटर या वेरिएबल जो भी था जिसपे ऑपरेट कर रहे उसकी वैल्यू बदलता है ओके न ऑपरेटर चेंज इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वेन यू से एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी तो प्लस जो है वो ना ए की वैल्यू बदलता है ना बी की वैल्यू बदलता है द ओनली ऑपरेटर दैट वॉज चेंजिंग द वैल्यू वॉज द असाइनमेंट ऑपरेटर कि एक्स की वैल्यू बदल रही थी अब ये एक नया ऑपरेटर आया वन वी से आई प्लस प्लस कहते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस वन सो इट इज़ असाइनमेंट प्लस एडिशन सो इट डज चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अभी हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि जी ये पहले होगा या बाद में होगा पर आपको ये इंपॉर्टेंट Uh, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे कि ये ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू बदलता है बिल्कुल इसी के साथ का एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है से माइनस माइनस वो वेरिएबल की वैल्यू एक से कम कर जाता है सो इट इज काउंटर माइनस माइनस विल बी रेड एज़ काउंटर इक्वल्स काउंटर माइनस वन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ काउंटर बाय वन ओके These are so common in programming, especially when we are working with loops, that this was a useful shorthand to be included in the language. So, we have two new operators the increment operator plus plus and the decrement operator minus minus. Let us try to apply this little piece of new information to the way we have been writing things. And also, I would like to reiterate a simple counting exercise. Okay. सी जो है उसमें आप किताबों में भी देखेंगे बड़ा कॉमनली लूप्स लिखी हुई हैं तो आप कहीं घबरा ना जाएँ कि जी ये ज़ीरो से क्यों हमेशा शुरू करते हैं चलें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले ज़ीरो से लेके के नाइन तक कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं क्विकली दोज हु आंसर टेन कैन स्टे इन द क्लास बिकॉज इट इज़ टेन डिफरेंट नंबर्स एनी बॉडी एल्स नाइन स्टार्ट थिंकिंग अगेन देखें ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन तक देर आर टेन डिफरेंट नंबर्स ओके है एवर वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो वी ऑलवेज एट एट वन लेस देन द टारगेट सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने वो नंबर ऑफ़ ट्राइज वाला एग्जाम्पल किया था हमने कहा था डू वाइल ट्राइन लेस देन और इक्वल टू फाइव और ऊपर शुरू किया था ट्राइ नाम इक्वल टू वन से जब हम फॉर लूप में जाते हैं हमने पहली दफ़ा फॉर लूप लिखा था फॉर काउंटर इक्वल टू वन काउंटर लेस देन और इक्वल टू टैन ठीक है सो वी राइटिंग वन से शुरू कर रहे हैं और लेस देन और इक्वल टू पे ख़त्म कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सी कोड देखेंगे या सी प्लस प्लस कोड देखेंगे आप देखेंगे कि ऑथर लिख रहे हैं फॉर काउंटर इक्वल टू जीरो काउंटर लेस देन टेन सो प्रोग्रामर्स थिंक इन डिफरेंट वेज आई एम नॉट सेइंग विच इज़ राइट आई मीन फील यूज़ वट एवर यू थिंक इज़ मोर नेचुरल इन द केस ऑफ राइटिंग अ टेबल जो कि मल्टीप्लाइज दिखा रहे हैं एक से ले कर दस तक इट इज़ मोर नेचुरल टू यूज समथिंग लाइक काउंटर इक्वल टू वन से लेके काउंटर लेस दैन और इक्वल टू टेन लेकिन अगर काउंटर की वैल्यू हमने इस्तेमाल नहीं करनी है और सिंपली गिनती करनी है या लूप को चलाना है टेन टाइम्स देन इट्स इक्वली वैलि फॉर काउंटर इक्वल टू जीरो काउंटर लेस दैन टेन इंक्रीमेंट काउंटर वो भी दस दफ़ा ही गिनेगा सो so, वो आप लेस देन वर्स लेस दैन और इक्वल टू और इस तरफ जीरो वर्सेज वन इसका ख्याल रखिएगा एंड फाइनली एज ए सैड कि जी फॉर लूप में अखीर पर हम इंक्रीमेंट डाल रहे होते हैं तो वहां पर यूजली फाइंड समथिंग लाइक काउंटर प्लस प्लस विच मीन्स काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन बट द प्लस प्लस ऑपरेटर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज नॉट लिमिटेड टू बिंग यूज इन द फॉर लूप यहां पर भी आपने किसी चीज को इंक्रीमेंट करना है बाय वन यू कैन जस्ट यूज द शॉर्ट हैंड सो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस एज प्लस प्लस और वट एवर इज नीडिड वेन एवर यू वॉन्ट टू से समथिंग एज इक्वल प्लस वन यू सेज प्लस प्लस एंड कीप इन माइंड देट द ऑपरेटर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इट सेल्फ सो द वेरिएबल विल भी अपडेटेड एंड सेम अप्लाइज टू द डेक्रमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस सो वी हैव अ स्पेशल ऑपरेटर जो कि एक से इंक्रीमेंट करना हो या एक से डेक्रीमेंट करना हो वहाँ पर तो चल जाता है बट इज दिस द ओनली टाइम दैट वी नीड टू इंक्रीमेंट नंबर्स और इज दिस द ओनली वे कई दफ़ा आपके पास आएगा नंबर इक्वल्स नंबर प्लस फाइव बार बार आपने कर रहे होने यहीं एडिंग अ कॉन्स्टेंट टू अ वेरिएबल इज़ वेरी कॉमन और फॉर देट मैटर एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना दीज आर कॉमन कंस्ट्रक्ट्स। इसके लिए वी डू हैव स्पेशल ऑपरेटर्स एंड दीज स्पेशल ऑपरेटर्स दे आर स्पेशल इन द सेंस दैट दे टेक सम एक्शन एंड डू सम असाइनमेंट सो ये दो काम इकट्ठे कर रहे होते हैं फर्स्ट वन द फर्स्ट ऑपरेटर लेट्स इज प्लस इक्वल टू सो इफ वी से समथिंग लाइक काउंटर

so if we write something like counter minus equals 5 semicolon it would be read as counter equals counter minus 5 multiplication sure if we say x star equals 2 remember the left hand side has to be a variable so x star equals 2 would means x equals x multiplied by 2 so these are nice shorthands. X slash equals two, would means x equals x divided by two. Remember, these operators What are they doing? They are doing a computation and they are doing an assignment. So these are compound assignment operators. So remember that these are compound assignment. Yani assignment bhi hori hai, variable ki value bhi badal rahi hai. So plus. माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेटर्स के साथ हम कंपाउंड असाइनमेंट भी कर सकते हैं सिंपली बाय राइटिंग द ऑपरेटर फॉलोड एन इक्वल टू साइन और इसके अंदर कोई स्पेस नहीं छोड़नी पर एक रह गया है आप पूछ रहे होंगे कि जी व्हाट अबाउट द मॉड ऑपरेटर परसेंटेज साइन रिमेंडर जो देता था एब्सोलूटली वो मॉजुलो ऑपरेटर भी चलता है यू कैन से एक्स परसेंट इक्वल्स टू अब जरा सोचना ये क्या करेगा क्या ख्याल है आपका कि वॉट विल दिस डू परसेंट डू द मॉड्यूलो सो इट विल डू एक्स परसेंट टू और इसका जवाब क्या आता है इट इज़ द रिमेंडर आफ्टर एक्स बीन डिवाइडेड बाई टू सो एक्स परसेंट विल टेक द रिमेंडर एंड असाइन इट टू एक्स बाकी जरा से सीधे साधे थे एक्स Star equals 2 means x equals x multiplied by 2. Syntax is exactly identical. X percent equals 2 means x equal to x modulo 2. So effect bilkul voihai lekin remainder jara hai x me is ka xial These shorthands are there, but it is not necessary that you use them. We've already covered three different types of loops while loop, do while loop, for loop. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट ऑलवेज यूज रिलीजियसली एक लूप या दूसरी लूप या रिलीजियसली एक लंबा प्रोग्राम आ गया तो जी तीनों लूप जरूर इस्तेमाल करनी है दैट इज़ अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम डिमांड एंड योर प्रोग्रामिंग स्टाइल सो सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल दिस कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑल्सो द इनक्रीमेंट एंड डेक्रमेंट ऑपरेटर्स वेदर यू चूज टू यूज़ दैम और नॉट इज़ अपू यू बिकॉज हर एक का मैंने ऑल्टरनेटिव आपको बता दिया है इंक्रीमेंट करना है तो यू कैन ऑलवेज राइट नंबर इक्वल्स नंबर प्लस वन सिर्फ ये है कि ये एक इतनी कॉमन शॉर्ट हैंड बन चुकी हुई है इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दैट यू विल नॉर्मली राइट नंबर प्लस प्लस बाकी जो जै कंपाउंड असाइनमेंट वाले वो इज़ मोर अ मैटर ऑफ स्टाइल कि जी वेल पीपल डू यूज दैम मोस्ट ऑफ़ द टाइम बट अगर मॉडुलर ऑपरेटर है आई वुड लाइक टू स्टेट इट वेरी एक्सप्लेसिटली कि जी हो क्या रहा है आई वुड लाइक टू राइट x इक्ल्स एक्स मॉड टू या x परसेंटेज 2 ताकि क्लियर हो जाए कि रिमाइंडर जो है ना वो असाइन हो रहा है कोड शुड बी सेल्फ ऑबियस एज़ फार एज पॉसिबल यानी x i j k प्रॉबली आर बैड नेम्स फॉर वेरिएबल्स यू वांट टू यूज़ वेरिएबल नेम्स दैट आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हमने क्या इस्तेमाल किए हैं आज के लेक्चर में ट्राई नाम ठीक है नंबर ऑफ ट्राइज मेक सेंस थोड़ा बहुत पढ़ें तो कुछ समझ तो आ जाती है We have used a variable called counter. It is a loop counter. We have used a variable called C, but that was not a nice name. Maybe we should have called, called that variable guess. So, we would have said char guess. That would have been a better style in terms of using an explanatory or a self explanatory variable name. So, there are several guidelines to good programming. क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है जब आप अपना कोड पढ़ेंगे वो जल्दी से समझ आ जाएगा जो चीज़ शुरू से मैं रिपीट करता आ रहा हूँ आपने कमेंट्स ज़रूर डालने हैं आज हम थोड़ी सी कमेंट्स की बात कर लेते हैं उसके बाद वी विल कंक्लूड टू टॉक कमेंट्स के अंदर एक तो लाजमी चीज़ है कि जी ऊपर प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आप लिखते हैं कि जी ये प्रोग्राम करता क्या है ठीक है ना सो यू शुड ऑलवेज़ राइट अ कामेंट right near the top saying what does this program do uskebad again i mentioned earlier do not write comments for the sake of writing comments write comments that mean something okay. now wo guessing game ballet code so your comment before the loop should be something like ask the user to enter a character and let him make up to 5 guesses ये नहीं लिखें कि जी हम लूप लिख रहे हैं आई मीन लूप तो नज़र आ रही है आई मीन राइटिंग इट इन अ कामेंट दैट ओके लूप फॉलोज दैट्स नॉट मच फन ओके सो वी हैव टू यूज़ कॉमेंट्स विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अभी तो हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चार लाइन छः लाइन के प्रोग्राम्स रहे हैं सो यू नो कॉमेंट्स डिड नॉट सीम नेसेसरी इट सीम्ड आर्टिफिशियल के हम बीच में कॉमेंट्स डालें लेकिन प्रोग्राम्स विल गेट लॉन्गर दे विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो वॉट यू आर डूइंग Okay. So, what have we covered today? We have looked at two new variants of the loop structure in C. First was the do while loop carrying on from the while loop, and in the do while loop, we noticed that it at least executes the code within the body of the loop once. The while loop may do it 0 or more times, the do while loop always executes the body at least once.

Then we looked at some shorthand operators, incrementing, decrementing, and then the compound assignment operators. So we've covered a fair amount of territory, Ek interesting. Baat batata chalu. In terms of writing programs, you already know everything that you need to write any complex program. This is the hai. you have the decision structure and you have the loops. Agli Dafa, we will cover another. ऑप्शनल स्टेटमेंट और उसके साथ हम उसको प्रोग्राम को जो है देख लेंगे कि जी सी की तकरीबन कम्प्लीटनेस आ जाएगी उसके बाद हम वेरिएबल्स और एरेज की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे सो नेक्स्ट टाइम इट विल बी द स्विच स्टेटमेंट एंड मोर गुडीज़ उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज